तो राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो अभी सुबह का टाइम है, 6 बजे। मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे। कमलेश दीदी आ गए नीचे खेत में, मैंने गायों का किया, मैंने कहा इनके लिए चाय बना देती हूँ और अपने आप ही पी लेती हूँ उनके साथ बैठ के। तो चलो, काज लगाए आँखों में, कैसा लग रहा है रूपपुर से? ये बड़े, मतलब ये जो दुपट्टे तो नहीं है, ये वो है जो भगवा कलर, गिरते नहीं है सिर के ऊपर से, ऐसे ही रहते हैं। मतलब दुपट्टा तो बार बार गिरता रहता है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा इस करके। चाय हमारी उबल रही है, बस उबल ही गई समझो। अभी मैं जा रही हूँ अर्की, जो हमने गौशाला बनाई है ना, वो कुछ पैसे जो है सरकार देती है, बस अंशदान जिसको बोलते हैं। मैं नेल पेंट लगा रही हूँ यहाँ पे, चप्पलें पहनते हैं आजकल ना, नाखून इतने अजीब जैसे लगते हैं, पर ऐसे मांगते हैं पैसे जैसे हम, मतलब इन्हें सरकार वालों से जैसे भीख नहीं मांगते, उस तरह का हिसाब किताब है। 6 महीने हो गए गुआनी बने, हो गए 6 तो हो ही गए, सर्दियों में बना दी थी हमने पीछे। अभी तक हमारे को सिर्फ एक किस्त मिली है, हमारे को पैसों एक पैसा भी नहीं मिला है। और अब बोल रहे थे एक दिन भी डाल दी है। अब इसमें क्या होता है ना, हिसाब मैं बताती हूँ। इसमें जो वर्कर होते हैं ना, उनके खाते में ही आते हैं पैसे, तो उनको इकट्ठा करके ले जाना पड़ता है। और ये नहीं, अपने पैसे लगाओ फिर इनके हिसाब से बनाओ, फिर ये देते बहुत कम पैसे, ठीक है। और उतने में तो कुछ भी नहीं बनता जितने देते, पर चलो सामान समून आ जाता है, अंशदान हो जाता है एक, तो बाकी अपने हिसाब से अगर बनाते हैं तो छोटी जैसी बनाओ, अपने जितना अपना खर्चा होता है, बाकी बोलने को है बस। मतलब चलो जो पैसे वाले वो तो बना सकते हैं, जो गरीब आदमी है वो कहाँ से लाएंगे बाकी के। 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख लग गया हमारे इसके ऊपर। चलो 1 लाख दिया इन्होंने, 1 लाख भी पूरा नहीं आएगा, 1 लाख भी पूरा नहीं आएगा, 90-92 हज़ार के करीब बता रहे थे। अभी देखते हैं कितना आना है, और वो भी पूरा नहीं देते। तो करती हुई इकट्ठे आज, कब किसी के खाते में, किसी का खाता अर्की में है, किसी का खाता पिपलू घाट में, किसी का अकाउंट जो यहाँ पे घनागू में, तो ऐसे ही इकट्ठे कर करके एक एक पैसा फिर जो है ये करना पड़ता है, फिर लाओ फिर दो काम वालों के। मैंने तो दे दिए हैं सिर्फ एक काम वाले के बच्चे हमारे पैसे, बाकी तो मैंने सबके ही दे दिए, हमने फिलहाल तो सबके दे दिए। और जहाँ से सामान लाया था 90 हज़ार का, तो एक ही जगह से आया था, वो भी थोड़ा, बाकी लकड़ी वगैरह वो अदर जगह से आई थी, उसका तो छोड़ो आप, लकड़ी और सामान वो अदर जगह से आया था, लेकिन सिर्फ एक ही जगह से आया था। और ईंटें भी अलग जगह से आई थी 40 हज़ार के, तो सोचो 90 हज़ार का सिर्फ ये आया था, सीमेंट और चादर ये वाला सारा करके, बस रेता भी लग रखो भी यहाँ से आया था। मतलब 3.5 से ऊपर चले जाती है इतनी बड़ी गोयनो बनाना, 13x23 की गोयनो बनती है ये, 13 फुट लंबी और 13 फुट चौड़ी बोलते हैं ये, फिर अंदर बाहर खुरलियाँ वगैरह रख लो, इतनी महंगाई पूछो मत। तो अभी 9 बजे वाली बस में जाएंगे अर्की, एक हमारे गांव की है, उसके खाते में आने पैसे, तो उसको भी लेके जा रही हूँ। और बाकी फिर एक को कल लेके जाती हूँ, मेरी दराणी के जो वो नीचे आते हैं,
पिपलू घाट में, तो उसको वहां लेके जाऊंगी। पूछो ये बंदे ने, मैं तो सकते और ये देखो इनसे लेती हूँ मैं हर बार पैसे, मेरे पास एक रुपया नहीं होता, पूछो इनको। और ये मेरे को गिन गिन के देते हैं, ये देखो मैं 500 200 700 मिला आज तोड़ दे देने। अच्छा चल 200 तोड़ा दूंगा, मीना का भी तोड़ना। सासू लड़े मत मिंटू मेरा है। ये कपड़े पहने आज मैं अपने लिए शॉपिंग भी करूंगी, देखना मैंने कभी की नहीं। एक कुर्ता दूंगा तो लेना कुछ है। मैं ना वो रही उनके कुर्ते जो मैं पहनती थी पहले, ये वाले भाई इनसे गर्मी लगती है आजकल। और एक कुर्ता सफेद जैसा है मेरे पास ना, वो बहुत अच्छा होता है या कॉटन का, उससे फिर गर्मी नहीं लगती। सिले सिलाई लाऊंगी, सिलने को दो यहाँ पे, इतने महंगा सूट लाओ फिर उसकी उतनी महंगी सिलाई, उससे अच्छा है कि आप जो है मैं वो लाऊंगी। और अभी आ जाने हम, जस्ट मैं वीडियो कर लूँ एडिट। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम, ये है बैंक। तो इस वाले बैंक में सबसे पहले हमने यहीं पे खाते खुलवाए थे ना, तो हमारे पैसे कईयों के यहाँ पे आते हैं, कईयों के कहीं पे आते हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट में आपको दिखा देते हैं, ये मीना है। तो ये देखो ये हमारे पास, हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बस मैं बात करने का फोन पे, फोन देखती हूँ ना मेरे को उल्टी आती है, बड़ी गंदी आदत है। तो बस मैंने दिखाना था कि हम लोग बस में गए थे, बाद में मिलते हैं। बेबे बस तो देखो कितने सारे पैसे निकाल के आई मैं। ये पैसा है ना, ये वाकई में यही पैसा तो अपनों से दूर करे है। किया काम होते इस गाने, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है। मेरी YouTube की पेमेंट, ये मेरे YouTube की पेमेंट है और ये 8,000 रुपया है जी। नहीं ये YouTube की पेमेंट नहीं है, ऐसे टाइटल तो मैं ये डालूंगी। एक्चुअली ना ये आए थे मेरे काउशड़ के पैसे, जो कि मैंने लोगों को देने, मिस्त्री को देने, किसी और को देने, किसी को भी देने। तो ऐसे थोड़े थोड़े पैसे करके वर्करों के अकाउंट में आते हैं। तो ये थे पर भाई वाकई में इस पैसे में बड़ी भारी ताकत है। फिर मेरे ना मेरे को नहीं इसका मोह आज तक वो कर पाया है। मैं इनके पास दे देती हूँ सारे, और ये मेरे को पता ही नहीं होता कहाँ है क्या है। तो अभी पहुंची, 12:30 हो गए, अब खाऊंगी मैं रोटी। बस चलना फिरना तो मेरे लिए वैसे है जैसे बस मौत को जाना है। तो अभी जो है ना इसको रख देती हूँ पैसे को यहाँ पे, और अपने आप अभी कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए, अभी रोटी खाऊंगी, फिर मैंने सो जाना है। थोड़ी देर अपने फ्रेंड से बातें करूंगी और फिर मैंने सो जाना है। पपीहे बोल रहे हैं पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। पपीहे पता क्यों बोलते हैं, जब इनको बहुत प्यास लगती है कहते हैं कि ये बारिश का ही पानी पीते हैं, और ये इनको वरदान है कि ना ये नीचे नहीं देख सकते, इनको नीचे पानी नहीं दिखता। तो वो जब बारिश होगी तभी तो ये कितने वो कर रहे हैं कि भगवान से कि बरस जाओ, इन्होंने पानी पीना है। तो जब जब बारिश होती है ये पानी तभी पीते हैं। इनको ना कुछ श्राप मिला था इन्होंने कुछ पता नहीं कुछ किया था इस, क्या किसी को पता होगा ना तो कमेंट करके बताना मुझे। ये देखो इनको बहुत प्यास लगी, ये बेचारे चाह के भी नहीं पी सकते, इनको पानी दिख भी रहा है तभी भी नहीं पी सकते। इन्होंने बारिश का पीना, जब बारिश होगी ऊपर से तभी ये पानी पी। हाँ इनकी बड़ी दया लगती है मेरे को बेचारों की, है ना। कितने होगी दिखाते देखो, मौसम ना अभी जो है बिल्कुल बन रहा है, कदू कदू रिवर का दसरा गिरे हैं पापा, कदस रहे बरखा। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, छोटी सी वीडियो थी आज की।
अभी कर रही हूँ वहाँ से आके 12:30 बजे। आज 10 लाख रेस्टोरेंट भाई दुनिया भर ए सी मुझे भाई दूसरी में पाड़ दे क्या होना इनके खाते में भी आने थे पैसे लेबर पेमेंट पर तो क्या करना है इनका हमारे को इनकी पता नहीं कहीं एयरटेल पेमेंट पे जाते हैं इनके पैसे। अरे चलो जय माता दी राम राम और मैं रोटी खा लेती हूँ।